सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना वो सिर्फ बेटियों को होता है, ऐसा नहीं है। उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है, इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्त में था, मिस्र में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्त में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया, हमसे 90 साल पहले। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर तीन तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?
हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग चाहता हूं, अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसको ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में, मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन है, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है, पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे
तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।